गुल्ली और बुल्ली के घर पर आज अपना पॉटी बॉय सॉन आया होता है और आज ये तीनों टीवी पर हॉरर वीडियोस देख रहे होते हैं। ये तीनों सुबह से अपने सस्ते कंप्यूटर पर महंगे गेम्स खेल रहे थे और वो भी कई घंटों तक, जिसके वजह से इनका कंप्यूटर खराब हो जाता है और फिर इन्होंने अपना कंप्यूटर बनाने के लिए दिया है जिसे बनने में एक दो दिन का टाइम लग जाएगा। इसीलिए टाइम पास करने के लिए ये लोग आज टीवी में हॉरर वीडियोस देख रहे होते हैं। इस वक्त इन तीनों की ही नज़र टीवी स्क्रीन पर जमी होती है क्योंकि टीवी पर चुड़ैल हॉरर स्टोरी आ रहा है जो कि इन तीनों का ही बहुत ही फेवरेट है। और फिर सॉन बुल्ली से बोलता है, बुल्ली आखिर अब क्या होगा, इस जंगल में रहने वाली चुड़ैल ने इसके सभी दोस्तों का तो खात्मा कर दिया है और अब ये सिर्फ अकेला बचा है और देख के तो लगता नहीं है कि ये चुड़ैल इसे छोड़ देगी। और अगर मान लो ये किसी तरह बच भी गया तो क्या फिर ये अकेले रहेगा, क्योंकि इसके सभी दोस्तों को तो इस चुड़ैल ने मार डाला है। अरे सॉन तुम बेकारी में मजा क्यों किटकिटा कर रहे हो, चुपचाप देखो और देखने दो। वैसे भी ये एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होते जा रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अरे ये क्या, ये देखो ये आदमी तो चारों ओर से घिर चुका है जिसमें से तीन तो इसके खुद के दोस्त हैं, देखने में काफी मजा आ रहा है। ये लोग टीवी देख ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से टीवी बंद हो जाता है और इन्हें समझ में नहीं आता है कि आखिर ये क्या हो गया। और सॉन बोलता है, बुल्ली क्या टीवी भी खराब हो गया? नहीं सॉन, ये टीवी नहीं खराब हो सकता है, तुम जाओ एक बार टीवी को ठोक कर आओ, क्या पता टीवी वापस से चलने लगे। नहीं मैं नहीं जाऊंगा, क्या पता मैं वहां पर जाऊं और द रिंग मूवी की तरह वो चुड़ैल टीवी के बाहर आ गई तो फिर मैं क्या करूंगा। छोड़ी बच्ची हो क्या? हाँ अच्छा ठीक है जाता हूँ, ऐसे चिल्लाओ मत। उसके बाद सॉन जाता है टीवी ठोकने के लिए। और जैसे ही सॉन टीवी के पास पहुंचता है कि तभी अचानक से टीवी चालू हो जाता है जिससे सॉन घबराकर पीछे गिर जाता है क्योंकि टीवी में इस बार कुछ और ही चल रहा होता है। इस बार टीवी में एक डरावना सा जोकर आ जाता है और ऐसा लग रहा है कि मानो वो गुल्ली बुल्ली और सॉन को ही देख रहा हो, इसीलिए गुल्ली बुल्ली और सॉन काफ़ी डर जाते हैं। बुल्ली क्या चैनल चेंज हो गया है? नहीं गुल्ली मैंने तो चैनल नहीं चेंज किया है, लगता है ये चैनल अपने आप चेंज हो गया है। वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वो जोकर बोलता है, अरे अरे रुको 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 चैनल मत बदलो, तुम लोग सही चैनल पर हो। ये सुनकर गुल्ली बुल्ली और सॉन काफ़ी हैरान हो जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता है कि आखिर ये जोकर उन्हें कैसे सुन पा रहा है। और फिर वो जोकर बोलता है, अगर आप लोगों को मेरे वजह से कोई भी दिक्कत हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन आज मैं यहाँ पर आपसे कुछ ज़रूरी बातें करने वाला हूँ। अगर आप लोगों को ये ऐड दिख रहा है तो आप उन्हीं 5 अनलकी, मेरा मतलब लकी लोगों में से एक हैं जिनका सपना आज पूरा होने वाला है। अब आप लोग ज़रूर ये सोच रहे होंगे कि आखिर मैं किस सपने की बात कर रहा हूँ। हम सभी लोगों ने बचपन में ऑगी एंड द कॉकरोचेस, सिंचैन और डोरेमोन जैसे कार्टून शोज देखे हैं और इन कार्टून कैरेक्टर से हमें प्यार भी बहुत है। और आप लोगों ने तो कभी ना कभी ये सोचा ही होगा कि आप एक दिन इनसे ज़रूर मिलेंगे, तो आज आपका सपना पूरा करने के लिए मैं यहाँ पर हूँ। आज मैं आप लोगों को इन सभी कैरेक्टर से मिलवाने वाला हूँ और अगर आपको लग रहा है कि इस सब में बहुत ही खर्चा आ जाएगा तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि आप लोगों को ये सुविधा हम लोग बिल्कुल फ्री में देने वाले हैं। और अभी आप लोग ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि आप लोगों को फ्री में ये सुविधा देकर हम लोगों का आखिर इसमें क्या फ़ायदा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमें एक वीडियो शूट करनी है जिसमें हम लोगों को 5 लोगों की ज़रूरत है और इसीलिए आप लोगों को हम लोग फ्री में ही बुला रहे हैं। तो अगर आप लोगों को इस मौके का फ़ायदा उठाना है तो आधे घंटे में बताए गए जगह पर पहुंच जाइएगा, वरना आप ये मौका खो देंगे और लोकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगा। और हाँ एक बात और, आप लोगों को अपने साथ कोई भी सामान लाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 2 घंटे में वीडियो शूट करके हम लोग वापस आपको छोड़ देंगे। अब मैं जाता हूँ, ये बोलकर वो जोकर वहाँ से चला जाता है और टीवी बंद हो जाता है। तुम क्या कहते हो बोलिए, क्या हम लोग वहाँ पर चला जाए? अरे हाँ इसमें पूछने की क्या बात है, जब हम लोगों का एक भी पैसा नहीं लग रहा है तो आखिर वहाँ पर जाने में क्या दिक्कत है? हाँ गुल्ली सॉन बिल्कुल सही बोल रहा है, और वैसे भी मुझे भी सिंचैन और डोरेमोन से मिलना है और मुझे ऑगी से, तो चलो अब देर किस बात की, जल्दी से चलो वरना कहीं देर ना हो जाए।
उसके बाद बुल्ली बुल्ली और सॉन निकल जाते हैं। आप तीनों ने आने में लेट कर दिया, और वो भी पूरे 2 मिनट। इतने देर में तो मैं एक मैगी बनाकर खा भी लेता। पर पाजी तुसी हो कौन? ओए तू मुझे नहीं जानता, तू मुझे नहीं जानता। पापा हूँ मैं, पापा, इस दुनिया का पापा हूँ मैं, और तू मुझे ही नहीं जानता। ये हाथ देख रहा है, पूरे 2.5 किलो के हाथ है ये। ये हाथ जिस पर उठता है वो उठता नहीं बल्कि जमीन के अंदर धस जाता है। क्या तुझे भी खाना है ये 2.5 किलो का हाथ? पर पाजी तू से गुस्सा क्यों हो रहे हो? असी तो यहाँ पर सिर्फ घूमने के लिए आए थे। ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर वही जोकर आ जाता है। ओ तुम लोग आ गए, तुम लोग तो जल्दी आ गए। मैंने सोचा था तुम लोग लेट करोगे। कोई बात नहीं, अब चलो जल्दी से चलते हैं, क्योंकि वीडियो शूट करने में भी बहुत टाइम लग जाएगा। तुम चारों जाके प्लेन में बैठ जाओ। ओए पर वो 5वां इंसान कहाँ है? आप उसकी चिंता मत करिए, वो प्लेन में कब से आप लोगों का इंतजार कर रहा है। जल्दी से जाइए वरना कहीं वो गुस्सा ना हो जाए। उसके बाद गुल्ली बुल्ली और सॉन प्लेन के अंदर जाने लगते हैं। ओए मैं भी जा रहा हूँ, तू मुझे क्यों भूल गया? अरे हाँ हाँ, ये भी जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की यात्रा शुभ हो। ओए पर क्या तू हम लोगों के साथ नहीं आएगा? नहीं, मैं भी आऊंगा, लेकिन मैं अपने प्राइवेट जेट के साथ आऊंगा, और आप लोगों के पहुँचने से पहले ही मैं वहाँ पर पहुँच जाऊंगा। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। उसके बाद वो जोकर वहां से चला जाता है, और फिर वो प्लेन उड़ने लगता है। लेकिन ये जोकर प्लेन से उतरने के बाद काफी हंसने लगता है, क्योंकि अब ये लोग इसके जाल में फंस गए हैं, और अब इनके पास बच के जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। और दूसरी तरफ ये लोग इस बात से अनजान प्लेन के अंदर काफ़ी मज़े में होते हैं। सॉन तो बस ये देखने में लगा है कि वो कितना ऊपर आ गया है। आज वो बादलों के ऊपर उड़ रहा है, और नीचे का कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, और गुल्ली भी विंडो सीट के पास बैठकर बस बाहर ही देखे जा रहा है। आज ये तीनों पहली बार कोई फ्लाइट में बैठे हैं, और आज से पहले ये लोग कभी भी किसी प्लेन में नहीं बैठे थे। लेकिन फिर भी इस ट्रिप का मज़ा लेने के बजाय गुल्ली तो सो रहा है। ये देखकर गुल्ली हैरान हो जाता है। तभी गुल्ली को बाथरूम जाने का मन करता है, इसलिए वो सीट से उतर कर बाथरूम ढूंढने लगता है, क्योंकि उसे पता नहीं है कि बाथरूम कहाँ है। और ये प्लेन पूरा खाली है, इस प्लेन में बस यही 4 पैसेंजर्स हैं। और गुल्ली टॉयलेट ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी अचानक से उसके सामने भूत आ जाती है, जिसे देखकर गुल्ली काफ़ी हैरान हो जाता है, और वो पीछे गिर जाता है। गुल्ली को समझ में नहीं आता है कि आखिर ये कौन है और ये कहाँ से आ गई, और तभी वो चुड़ैल नीचे कूद जाती है। गुल्ली डर के मारे पीछे जाने लगता है, लेकिन वो चुड़ैल उसकी हालत देखकर खूब हंसती है और बोलती है, आखिर बच के तुम कहाँ जाओगे? यहाँ से बच के जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। या तुम प्लेन के बाहर कूदोगे? हाँ, अगर कूद सकते हो तो कूद जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकने वाली हूँ। तुम लोगों को ऐसे ना वैसे मरना तो है ही, क्योंकि तुम लोगों को यहाँ पर बुलाया ही गया है तुम लोगों को मारने के लिए, और शुरुआत मारने की तुमसे ही होगी। दोस्तों पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और वीडियो के नीचे चैनल का नाम लिखकर कोई भी क्वेश्चन पूछोगे तो तुम्हें उसका जवाब मैं दूंगा, इसलिए कमेंट बॉक्स में अपना सारा सवाल पूछ डालो। और हाँ, जवाब मिलने पर ये वीडियो अपने 5 दोस्तों को शेयर जरूर करना, हो सकता है मैं तुमसे मिलने आ जाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।